मैं हूँ शीना कौर और आज हमारा प्रोफेशनल बैच नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे सुंदर फेसेस हैं, कहाँ से आएंगे, क्या नाम है, आपको अभी बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू सो मच। सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, ठीक है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस को बहुत तगड़ा इंतजार है, कब आएगा 13 मार्च। सबको अच्छा, कौन है स्ट्रेस में यार? मैम एक्चुअली मिक्स फीलिंग हो रही है, एक्साइटमेंट भी है। सेम ही एवरी टाइम व्हेनेवर वी स्टार्ट अ बैच, सारे के सारे जो हमारे जो फीलिंग्स है ना वो मिक्स हो जाते हैं। बच्चों की भी होती है, हमारे बड़े को। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आप लोगों ने देखा होगा हमारा एक रिचुअल है, वी वेलकम ऑल ऑफ यू विद ऑल माय हार्ट एंड सोल। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि हम लोग जब भी आते हैं ना, कोई भी आता है, चाहे आप आते हो, चाहे दिल्ली की हो, दिल्ली के बाहर से हो, हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा सबका एक अच्छा स्टार्ट नहीं होता है। यू नो, कुछ लोग घर में सपोर्टिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। यूनिवर्स चाहते थे कि हम मिले, इसलिए आई वॉन्ट टू क्लीन योर ऑरा विद मी, वी आर लीविंग बिहाइंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एट द रिसेप्शन एरिया and I would like to do the select. जो आप select नहीं लगवाना चाहते तो select नहीं हो, मैं आपके हाथ पे लगा दूंगी, बिकॉज ये हम लोग जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज से स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो आप मुझे कौन सा टीका नहीं लगवाता है? सब ठीक है वाले, कोई मुस्लिम नहीं है सर हमारे पास में, लगवा लोगे आप? गुड टू नो। सो गो बैक टू द रिसेप्शन एरिया। Yeah.
आइए नेक्स्ट। हेलो जी, नाम कैसे? कहाँ से हैं आप? पीजी में ही हो? नहीं, मैं बिजनेस। ओके, आ जाओ। सबसे पहले है कि सुबह सुबह नहीं, ये तो मैं नहीं लूंगी, तेरा पड़ेगा। वाओ, मेरा साइज शिफ्ट दिख रहा है, मेरा दिख रहा है। आए हैं मुझसे मिलने के लिए। इनको आपने बहुत पहले देखा भी होगा, मैं रील्स में देखा होगा, रोदले बच्चे हैं बहुत ज्यादा। दो रोती हैं, एक अच्छी है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे भी आज। सबसे पहले हमारे साथ श्वेता जी हैं। श्वेता जी, बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा चल रहा है? मैम, जो भी आपने सिखाया था सिर्फ उसी की वजह से मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। और ये चीज तो मतलब दिखती है, मैंने भी अपने पोस्ट में डाला हुआ है, और जो भी सीखा बहुत ही अच्छा। मतलब आपसे नहीं मिली होती तो शायद इतनी आगे नहीं जाती। सीखा मैंने पहले भी था जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन जो यहाँ आके मैंने सीखा उसके बाद मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। काम अच्छा चल रहा है आपका? काम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपके गाइडेंस में प्रॉपर आपके वीडियोस में देख के आपसे अपडेट होते रहते हैं। जो भी आप सिखाते हो, इवन आज भी जो आप सिखाते हो, वो सारी चीजें हम माइंड में रख के आगे बढ़ रहे हैं। कौन से मंथ का बैच? और हम लोग का सितंबर 2022, राइट जी? ओके, गुड टू नो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव ऋतिका जी। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसे था, मेरी तो फैमिली यही वाली हो, और मैं जाके ऐसे लगता है कि हाँ, दिल्ली वाली फैमिली से मिल के आ रहा है, और इसीलिए मिलने आई हूँ। और जब भी ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैम की कोई ना कोई अपने आप रील आ जाती है, पता नहीं कैसे वो अपने आप मैम को पता नहीं पता लग जाता है। मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए रील खुद से आ जाती है, फिर वो देख के अपने आप थोड़ा और बस वही चीजें छोटी छोटी चीजें याद आती है कि हाँ, गलती करते हैं खुद पता लगता है, हाँ मैम ने टोका था। पीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अरे बस कुछ वो तो बहुत ही अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा था और काफी अच्छे हमारे मतलब जो हमारे बैच के जितने भी लोग थे सब बहुत अच्छे थे, सब बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही मजा आया। देयर इज अ रीजन, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरा प्रो बैच नंबर 8 सबसे बेस्ट था,
और अभी तक भी इतने मैच निकाल लिए 7 degrees 28 days प्रोमैच नंबर 8 की जो वाइब थी ना वो हमें अब तक वापस से नहीं मिला करेक्ट जो मिलेगी मिली मैम प्रोमैच नंबर 8 वाले बहुत ही अच्छे थे एंड ट्रस्ट मी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट आपके साथ के बच्चे सब लोग सारे आगे हां ये सब सब दे डू वेरी वेल एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट पूजा से ओके तो पूजा जी मैंने सुना है काफी स्ट्रगल करके आए हैं आप यहां पे जैसा मैं अपनी टीम से सुन पा रही हूं तो आप बताइए उस बारे में कुछ इधर से मेरे बीच स्ट्रगल के बारे में हां थोड़ा बहुत I have my daughter back at home. I mean, के exams चल रहे हैं. And I have daughter at back at home. उनको take care करने वाला कोई नहीं है. और मैंने बड़ा arrangements किया है उनको कहीं पे रख के आने के लिए यहाँ तक. और यहाँ पे आने it was not a dream. बोल सकते हैं कि it was full of excitement. Last 2-3 महीने मैंने सारी arrangement करने में बिताई कि मैं कैसे भी ultimately यहाँ तक पहुँच जाऊँ. So मैं बहुत travel किया है. I worked A lot corporate world में थी और पता नहीं इतना एक्साइटमेंट तो कभी भी नहीं था फॉरेन में जाके भी नहीं था और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं था एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर एंड ऑरा ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं बहुत इंस्टीट्यूट्स देखे हैं मैंने बट जिस तरीके से इतनी पर्सनली चीज़ों को केयर की जाती है हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लासेस मैंने पहले भी की हैं लैक्मी एकेडमी में भी गई हूँ मैं एंड मैंने देखा है बट देन यहाँ पे जो मैंने एक दिन में अभी लास्ट 2 hours में सीखा है वो 3 महीने में लोगों को क्लियर नहीं होता है सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू टू यू ऑल द एंटायर टीम एंड सीनियर मेंबर्स जो मैम का मतलब तरीका है पढ़ाने का और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मैम को बहुत मोटिवेशन बहुत ज़्यादा यही मैंने मैम पूछ रहे थे ना कि हमने पता किया था तो मैम के SMS सीजन में किसी ने कैनेडा से किसी ने सीखा था ओके तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे पता किया था तो सिखाने का तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं था सिर्फ ये था कि मैम वैसे कैसे पर्सनली कैसे हैं तो वो बहुत मोटिवेशन है